नमस्कार हेलो सर। नमस्कार, मैं पवन बात कर रहा हूँ भरतपुर से। मैं पवन जी बोलिए। सर एक्चुअली मैं लेवल वन से कोचिंग करना चाहता हूँ। लेवल वन है मेरा जी जी और जी बीएससी कब मेंस किया आपने? अच्छा मैंने किया है। 23 जनवरी में रिजल्ट आ गया था। अच्छा अच्छा तो ये हाँ मेंटरशिप में ज्वाइन कर लो। करता हूँ। मेरे साथ 5 बंदे और आएंगे सर, फीस क्या लगेगी? देखो इसमें जो सिस्टम है ना वो इतना बढ़िया सिस्टम है, फीस की आप चिंता मत करो। 13,000 फीस है और सिलेक्शन नहीं होता है तो 50% रिफंड कर देंगे। और वो तो मेरा तो ऐसा सर मानना है कि इसमें 50% रिफंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा सर अभी जो आप मेंस की तैयारी करोगे, मेंस का एग्जाम थोड़ा लेट होगा, मान के चलो 7-8 महीने, हाँ, आठ इतना महीने दे तक आप हाँ कंटिन्यू रूप तैयारी करोगे। मैं जो टास्क दूंगा उस टास्क के अनुसार आप पढ़ाई करोगे, हाँ सर मैं जो बिल्कुल बुक्स बताऊंगा उस बुक्स को फॉलो करोगे तो हाँ सर बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं हम तो सिलेक्शन के लिए तो आ रहे हैं सर, भरतपुर से बाड़मेर काफी हाँ दूर बिल्कुल, पड़ता है। नहीं अच्छा भरतपुर से आए हुए हैं, पहले भी बच्चे आए हुए हैं। सर उनका वो हो गया। तो हाँ वो रूम लेके रहते हैं, वो रीट मेरे जो लेवल का जो ए बैच चल रहा है उसमें वो स्टडी कर रहे हैं। दो अच्छा। बच्चे हैं, उनके पापा आए थे तो उन्होंने रूम दिलाया था। आप रूम लेके भी रह सकते हो, आप हॉस्टल में भी रह सकते हो, जो आपको सही लगे। सर हम तो खाना हम पे सर बनेगा ही नहीं, हम तो ऐसे आर नहीं, कैसे हॉस्टल हॉस्टल ले लेना सही रहेगा। हॉस्टल ही सही रहेगा हाँ वो हॉस्टल सर। बढ़िया, सही, बड़ा रूम ले लेना, साथ में रहता है। हाँ और करना क्या है, सुबह आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना और शाम को कोचिंग। सर, इतनी कोचिंग कितनी क्लासेस चलेंगे अभी? 5 घंटे चलेगी कोचिंग। अच्छा। आप इतनी दूर से आओगे तो पढ़ने के लिए तो आ रहे हो, हाँ सर यही तो कह रहा रूम हूँ, में, रूम में क्या करना, ठीक है सोने के लिए रूम चाहिए, चाहिए बस। बिल्कुल आप आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन करवा देना आप लोग। एक्चुअली में तो सर मेरे यहाँ कोचिंग है, मैं कोचिंग छोड़ के आ रहा हूँ, पता अच्छा, ही संस्थान चलाते हैं हम। आप चलाते भी हो, कोई हाँ नहीं, सर्विस लगने के बाद चलाना, तब बढ़िया तरीके से लोग खूब आएंगे, अब वही सोच रखा है वैसे तो। क्योंकि मैं खुद हाँ ही सेलेक्ट हुआ तो लोगों में विश्वास इससे और अच्छा जमता है। बिल्कुल अच्छा, वो तो सेलेक्ट होता है तो और भी अच्छा विश्वास बन जाता है लोगों के अंदर। बिल्कुल। मैं तो सर खुद ही हिंदी की फैकल्टी और हूँ, पर ये ठीक है मुझे तो कोचिंग करनी है। अच्छा, हिंदी पढ़ाते हो? हाँ नहीं बढ़िया है, अच्छी बात है, हिंदी पे तो पकड़ है कम से कम। कोई हाँ ये तो है। नहीं, साथ वालों को आप गाइड भी करोगे। हाँ बिल्कुल सर, चलो सर ठीक है, मैं शाम तक आपको कॉल करता हूँ एक बार हाँ वापस।